नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ की तरक्की के लिए जो भी करना पड़ेगा आपके द्वारा दिए गए ताकत के बल पर सरकार को मजबूर करेंगे और यहां की तरक्की करेंगे। उक्त बातें आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा सदर के भ्रमण और जनसंपर्क के दौरान कही। बता दें तो उन्होंने आज अपना जनसंपर्क अभियान अपने आवास पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण कर्मचारी संघ के नेताओं और कर्मचारियों से मुलाकात करने के पश्चात उनकी समस्याएं जानने के पश्चात सीधारी हाईडील होते हुए छतवारा पर पहुंचे, जहां पर अगल बगल के ग्रामीण इलाकों से आई जनता से उनकी समस्याएं सुनी और उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात उनका काफिला इटौरा मोड़, कर्णपुर, टुल्लुगंज, बेलहता, सुम्भी, सेवटा मोड़, ताड़ी बाजार से होते हुए पातालपुरी पहुंचा, जहां पर उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक कर वहां पर माथा टेका और भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात उनका काफिला चक्रपानपुर पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां पर जनता की समस्याओं को सुनने के पश्चात फिर उनका काफिला निजामुद्दीन पट्टी, खल्लोपुर, ऊंची गोदाम, बेहटा, रुदरी पहुंचा, जहां पर जनता को संबोधित करते उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की बड़ी जीत हुई है। आज जो भाजपा के लोग संविधान बदलने का ख्वाब देख रहे थे, आज समाजवादियों और इंडिया गठबंधन वालों ने देश के संविधान को बदलने नहीं दिया। तत्पश्चात तुंजा काफिला बाबू का चौक, शीतला नगर, दाऊदपुर होते हुए सोनवारा आदि गाँव में लोगों से बात कर उनकी समस्याएं की सुनी गई। वहीं जानते हुए कोटिला होते हुए रानी के सराय में इसरार अहमद के आवास पर एक सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने सांसद का जोरदार स्वागत फूल मालाओं के साथ किया। बता दें तो उनके काफिले में उनके साथ पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर, पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव, श्याम बहादुर सिंह यादव, पूर्व विधायक विजय यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष हरिश्चंद्र यादव, विधानसभा अध्यक्ष शिव मुहूर्त यादव, वेद प्रकाश यादव, विवेक सिंह, जिला उपाध्यक्ष कुणाल मौर्य, इसरार अहमद, रामनयन यादव, अजीत राव, सुरेंद्र बहादुर यादव, इंजीनियर लालचंद यादव आदि लोग शामिल थे।